नमस्कार, मुद्दा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। जम्मू के सांबा, रामगढ़ और अरनिया में रात से पाकिस्तान धुआंधार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अरनिया शहर में 90 मिनट में 27 मोटर शेल दागे। बीएसएफ के जवान भी पाकिस्तान की इस फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। कल सुबह पाकिस्तान ने भारत की जवाबी कार्रवाई से डर कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन रात होते होते उसने सीमा पार से भारी फायरिंग करनी फिर शुरू कर दी। ये रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। रविवार सुबह तक जहां पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा था, वहीं रात आते आते उसने अपना दूसरा चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया। रविवार रात से ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन कर मोर्टार दागे जा रहे हैं। अरनिया सेक्टर के एक थाने पर भी मोर्टार गिरे हैं, जिसमें एसपी समेत तमाम पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। साथ ही थाने के कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की ओर से बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर में गोलीबारी अभी भी जारी है। गोलीबारी को देखते हुए बीएसएफ और पुलिस ने गांव वालों को अपने घर से बाहर निकलने को मना किया है। गोलीबारी के चलते अरनिया के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अरनिया क्षेत्र के त्रेवा गांव को भी निशाना बनाया गया है। सीमा पार से इस गांव में भी मोर्टार दागे गए हैं। इलाके के देवीगढ़ गांव में फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की तरफ से 80 mm और 120 mm के मोर्टार दागे जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस गोलीबारी में पिंडी चारक की एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये अभी 2-3 साल से ना दोपहर को भी करते फायरिंग, तो रात तो हम निकाल लेंगे अंदर बढ़ के, तो दोपहर को कहाँ जाएंगे? आर पार होना चाहिए सर, हम तो यही चाहते हैं। गांव वाले सारे परेशान हैं, पता नहीं चला कब फायर होना, कब क्या होना है। ऐसे आम जनता जैसे काम करती है, कहीं से फायर आ जाता है, कोई बाहर है कहीं गिर जाते हैं, बहुत परेशानी हो रही है इससे। पाकिस्तान ने अनेकों बार इस बार इस माफी की मांग की है और हम हर बार दयालु हो जाते हैं, उनकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं। उसका फायदा उठा के पाकिस्तान कुछ ही घंटों में या अगले दिन अनेकों और जगहों में हमारे इनोसेंट्स को मारता है। जो हमारी तरफ से उसको पनिशमेंट दे जा रहे हैं, उसको हमने और इंक्रीज करना है। इससे पहले रविवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ से फायरिंग रोकने की अपील की थी। उसकी ये अपील उस समय आई जब बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में कई लोग मारे गए थे। दरअसल पिछले दिनों पाक फायरिंग में एक बीएसएफ जवान के अलावा 4 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी। इसका बदला लेते हुए बीएसएफ पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तानी रेंजर्स को जवाब दे रही थी। बीएसएफ ने कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी ढेर कर दिया और साथ ही कई बंकरों को तबाह कर दिया था। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग से घबराए पाकिस्तान ने रविवार को पहले रहम की भीख मांगी और बीएसएफ से सीमा पर फायरिंग बंद करने की गुहार लगाई और फिर रात करीब 10 बजे गोलीबारी शुरू कर दी। वो रमजान के महीने में भी सीमा पर सीज फायर उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा 4 राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। 1,225 किलोमीटर लंबी सीमा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जिसमें 740 किलोमीटर लंबी एलओसी भी है जो अखनूर से शुरू होती है। साल 1972 में शिमला समझौते के तहत युद्ध के बाद जो जहां था वहीं रहते हुए उसी जगह को एलओसी की संज्ञा दे दी गई थी। 740 किलोमीटर लंबी ये काल्पनिक रेखा नक्शे पर खिंची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और पाकिस्तान के साथ इस समस्या से भारत आज से नहीं बल्कि दशकों से जूझता आ रहा है। लगातार कोशिश की जाती है आभार भारतीय सरकार के बनते ही कि इस मामले पर बेहतर कार्रवाई की जाएगी, पाकिस्तान की इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। नई सरकार से भी यही उम्मीदें थी, लेकिन ऐसी तस्वीर होते हुए दिखी नहीं है। क्या है पाकिस्तान के साथ मूलभूत समस्याएं? एक तरफ पाकिस्तान कहता है, रहम की भीख मांगता है बीएसएफ में फोन करके कि आप गोलीबारी रोक दीजिए, फिर रात होते होते अपने आप उधर से मोर्टार और शेल दागने शुरू कर देता है। क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की और भारत कैसे निपट सकता है इनसे? क्या नीतियों में कहीं कमी है, और अगर कमी है तो कमी क्या है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है? इसके लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ भास्कर घोष हैं, नेता हैं बीजेपी से। कर्नल दानवीर सिंह हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। गोविंद पंद्राजू हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक एपीएन। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। कर्नल दानवीर सिंह, शुरुआत मैं आपसे करूंगा कि इस पूरा जो घटनाक्रम रहा है, इसका संदेश भारत के हिसाब से क्या निकाला जा सकता है? एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से फोन आता है, वो प्लीड करते हैं कि आप फायरिंग रोक दीजिए, गोलीबारी रोक दीजिए, भारत की तरफ से रोक दिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो जाता है।
देखिए ये इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए इस चीज़ को। अगर उनकी तरफ से फ़ोन आया कि फायर रोक दीजिए, वो उनकी मजबूरी थी, लेकिन आप इमोशनल होके कार्रवाई करें तो ये किसी भी हालत में फौजी तरीका नहीं है डील करने का, क्योंकि फौजी सिचुएशन में और इस प्रकार की सिचुएशन में इमोशंस का कोई महत्व नहीं होता। ये सिचुएशन का डोमिनेंस जो है उसके ऊपर वर्चस्व बनाए रखना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारी सेना इमोशनल होकर काम करेंगी तो जग जाहिर है कि हमारी कमजोरी का वो फायदा उठाएगा, और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो जिस प्रकार से ये घटनाक्रम से लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें इस पर पूरी तरह टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और सही असली हालात क्या है जहाँ तक सेना का सवाल है, इस मामले में BSF पॉइंट इन कंटेंशन है कि क्या एक्चुअल में है, ये हमें जानकारी नहीं है, तो हमें इस प्रकार की क्रिटिकल टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी गुरेज करना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन पीयूष पंत जी, क्या हम देखते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर क्यों आता है, पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई तो हम क्यों नरम हो गए? नहीं देखिए, एक मुझे लगता है कि वही एक जो लगातार बातचीत हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है इस समस्या से समाधान किया जाना चाहिए, और एक जो मानवीय देखिए पक्ष तो हमेशा होता है, और खासकर जिस तरह से आतंकवाद की चपेट में जो है कश्मीर भी आ रहा है, जो वहाँ पे लोकल लेवल पे भी जिस तरह से आतंकवादियों को वहाँ जो है एक समर्थन मिल रहा है, तो उसके चलते भी जरूरी है कि एक पीस का इनिशिएटिव लिया जाए, और खास रमजान का जब देखा गया मौका है, इसमें कम से कम जो है इस तरह के बिल वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं महबूबा मुफ्ती ने भी करी, और इस तरह से एक ये एक जेस्चर था, क्योंकि देखिए तमाम तरह के जेस्चर आप डिप्लोमेटिक जेस्चर, पॉलिटिकल जेस्चर, डायलॉग का जेस्चर तमाम उठाते हैं आप, उसमें एक ये भी जेस्चर था कि देखिए, और उसके पहले ही कल ही की बात जो है, जबकि वहाँ से ये कहा गया था कि आप जो शेलिंग रोक दें, बहुत ज़्यादा उनकी कैजुअलिटीज हो रही थी, तो पाकिस्तान की तरफ से ये सीमा पार से ये संदेश आया था। तो ये भारत देखिए हमेशा से एक जो है शांतिप्रिय देश रहा है, तो इस तरह का जेस्चर अगर वो करता है तो मुझे लगता है कि ये सही एक तरीका, क्योंकि हमारे इसके बहुत से डायमेंशन है। देखिए आतंकवाद जो कश्मीर में है, जो पाकिस्तान से जो आ रहा है आतंकवाद आ रहा है, तो उसके बहुत से डायमेंशन है, तो उसको हमें समझना पड़ेगा, इसलिए हमें हर वो कदम उठाना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होता दिखाई दे। ठीक है गोविंद पंत राजू जी, लेकिन पाकिस्तान जो कि हमेशा हमारी नीतियों के खिलाफ ही काम करता है, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान हमला लगातार करता रहा है, ऐसे पाकिस्तान के साथ क्या सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना उचित है? नहीं देखिए, जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम है उसको अगर आप देखें तो एक चीज तो बहुत साफ दिखती है कि जो कश्मीर के अंदर भारत की तरफ से जो आंतरिक कश्मीर में एक तरह का युद्ध विराम की बात कही गई थी, उस के बाद वहाँ पर जो भी हुआ हो पाकिस्तान की तरफ से उसकी कोई न कोई प्रतिक्रिया आनी थी, क्योंकि उस सब के पीछे जो पूरा सब उसका सूत्रधार है वो तो पाकिस्तान ही है। तो अगर भारत में थोड़ा सा भारत की सरकार की तरफ से एक रमजान के पवित्र महीने को देखकर वहाँ के लोगों से ही अपील की जाती है कि सरकार की तरफ से युद्ध विराम है और आप भी शांति से रहे, तो पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई होना तो तय था। हालांकि इस पूरे एक साल के दौर में लगभग 700 बार पाकिस्तान जो युद्ध विराम का वायलेशन कर चुका है, और हमारे करीब 18 हमारे सैनिक और 20 नागरिकों की इसमें जान भी गई है। तो पाकिस्तान के लिए तात्कालिक वजह इस वक्त यही थी कि वो कश्मीर के अंदर जो कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश हो रही है उसकी प्रतिक्रिया में अपनी तरफ से कुछ करे, और भारत के जो सैन्य हमारे जो सुरक्षा बल हैं BSF ने जिस तरह से बॉर्डर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के युद्ध विराम के वायलेशन का जवाब दिया, और जो 19 सेकंड का वीडियो भी जारी किया गया है उनके बंकर तबाह करने का, निश्चित तौर पर उसकी वजह से तात्कालिक वजहें पाकिस्तान के लिए ऐसी हुई होंगी कि उनको उनके कमांडर्स को BSF के पास मैसेज भेजकर युद्ध विराम के लिए अनुरोध करना पड़ा होगा। लेकिन इससे ये एक सेक्टर की एक स्थान विशेष की घटना है, पाकिस्तान के जो मूल जो उसका इरादा है वो भारत की सीमा और कश्मीर का जो LOC का इलाका है उसको असुरक्षित बनाकर उसको हमेशा से एक विवाद का बिंदु बनाए रखने की पाकिस्तान की नीति है, और इसी के तहत इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इन घटनाओं पर
उनका जो रुख है वो उनके दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की जो सुरक्षा बल हैं वो बिल्कुल समयोचित और जैसी वक्त की नजाकत है उसके हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और ये बिल्कुल जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से ही जो सुरक्षा बलों को हमारे यहाँ कम से कम एक तरह की आजादी है, और उस आजादी का सबसे बड़ा जो ध्येय है वो आम नागरिकों की सुरक्षा है, चाहे वो अपने हों चाहे वो उनके हों, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इसकी उल्टे है। तो इसलिए पाकिस्तान जब मारता है तो हमारे ग्रामीणों को निशाना बनाता है, हमारे स्कूलों को निशाना बनाता है, और हम जब टारगेट करते हैं तो उनके बंकर को निशाना बनाते हैं, ये बिल्कुल साफ दिखता है। जी ठीक है गोविंद जी, मैं लौटूंगा आपके पास, भास्कर घोष आपके पास मैं आऊंगा। अगर सिर्फ सीजफायर वायलेशन की बात करते हैं, 2015 में तकरीबन 405 घटनाएं होती हैं, 2016 में 450 घटनाएं होती हैं, 2017 में 860 घटनाएं होती हैं, 2018 में लगातार सीजफायर वायलेशन हो रहा है, तो कहीं तो हमारी पॉलिसीज में भी कमी है कि पाकिस्तान को हम रोक नहीं पा रहे हैं या अपना जो संदेश है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आई थिंक हमारे हम लोग का यहाँ पे एक अलग तरीके से इसको देखना पड़ेगा। पहली बात है कि ये सीजफायर वायलेशन कंडीशनल सीजफायर वायलेशन है, ये सीजफायर वायलेशन था कि अगर उधर से कोई भी कार्रवाई ना हो तब तक हम लोग सीजफायर वायलेशन करेंगे। और कल प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे एक भाषण में कहे थे कि ये सीजफायर जो वायलेशन हमने किया ये कि रमजान महीना में हम उनको सम्मान करते हैं, और एक कारण भी है कि टेररिस्ट को हम एक्सपोज करना चाह रहे थे। मतलब आज सीजफायर वायलेशन भारत के तरफ पे हुआ है, उसके बावजूद भी टेररिस्ट, आप वो जो लड़का हिलाल अहमद मारा गया है, 23 साल का लड़का था, उसको टेररिस्ट ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये कश्मीर के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको मार दिया टेररिस्ट ने। और उसके बाद जो सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया, इससे साफ जाहिर होता है कि एक जो रमज़ान के महीने में जो भारत ने सम्मान दिया मुसलमानों को कि इस टाइम में कोई भी ऐसा हरकत ना करे जिसके लिए वो गुनाह कर पवित्र महीना होता है, लेकिन 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 मेरा की बात नहीं है, मैं 2015 से लेकर 2018 तक की बात दो तरह के सीजफायर, हर साल जो सीजफायर वायलेशन का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ सीजफायर वायलेशन सीजफायर दो तरीके के हैं, एक तो है LOC में परमानेंट सीजफायर है, उसका वायलेशन हर दिन हर रात हो रही है, लेकिन ये जो सीजफायर वायलेशन की बात हम कर रहे हैं वो सीजफायर वायलेशन रमजान का महीना में BSF को रिक्वेस्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि रमजान में आप कोई ऐसा कदम ना उठाए, और इसी को माननीय प्रधानमंत्री ने जो बताया कि हम लोग एक्सपोज करना चाह रहे थे, क्योंकि एक लोकल सेंटिमेंट जो है कश्मीर का, आम जनता या युवा का जो सेंटिमेंट है वो सेंटिमेंट था कि गवर्नमेंट कश्मीर लेके अननेसेसरीली कुछ सख्त कदम उठा रहा है, सो गवर्नमेंट की तरफ से एक इमोशन, वो जो बात के इमोशनल हम उसको ऑब्जेक्शन गए, ये इमोशनल को डिसीजन नहीं था, ये एक सोशल और एक सोचे समझे हुए डिसीजन था, एक और मौका देने के लिए और दिखाने के लिए। हम तो मौका पे मौका दे रहे हैं, मौका पाकिस्तान को हमेशा देते रहते हैं कि पाकिस्तान उस मौके को एनकैश करता रहता है। यहाँ पे दो किस्म का प्रॉब्लम है, एक तो पाकिस्तान से जो अटैक आ रहा है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के मदद से, ये सैयद हाफिज की मदद से या सलाउद्दीन की मदद से या मसूद अजहर की मदद से जो टेररिस्ट यहाँ पे घुस चुके हैं उनका भी एक्सपोजर करना जरूरी था कि ये रमजान महीना को भी नहीं छोड़ते। एक एक करके इस बारे में बात करते हैं। रमजान के महीने की आपने बात की, मैं 2015 से लगातार बात कर रहा हूँ। मैं इससे पहले जबरम आपका रेशन लूँ, छोटा सा रेशन जाऊंगा कर्नल दानवीर से। कर्नल दानवीर, पिछले एक साल में तकरीबन 400% बढ़ा है सीजफायर का उल्लंघन जो है, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है इसको? क्या हमारी पॉलिसी की कमी नहीं है? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि सीजफायर कौन सा सीजफायर? सीजफायर 1948 वाला सीजफायर, सीजफायर 1965 का सीजफायर, सीजफायर 1971 का, 77 का या 2003 का, बड़े सारे सीजफायर हुए हैं। और जब सीजफायर के वायलेशन इतने ज्यादा हो गए हो तो सीजफायर होता नहीं, देयर इज नो सीजफायर। तो ये बोलिए कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल का वायलेशन है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल का वायलेशन जरूर हो रहा है, और हमारी कमजोरी बिल्कुल है, इसको मानना पड़ेगा कि आप अभी तक इतने रिस्ट्रिक्टेड रहे कि पाकिस्तान की अभी भी इतनी हिमाकत करता है कि वो आपको जवाबी कार्रवाई कर पाए जी। तो इसका मतलब आपने अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाए जिससे कि वो उस पर कंट्रोल आ पाए।
आपको इतना जबरदस्त फायर करना चाहिए, इतनी जबरदस्त मिलिट्री एक्शन करना चाहिए कि उसको खौफ होना चाहिए, उसको खौफ आना चाहिए सोच के। ये जब विचार आए, कार्रवाई किस जब उसके अधिकारियों को विचार आए इंटेंस कार्रवाई हमें फायरिंग करनी है, हमारे होम मिनिस्टर भी छूट जाने चाहिए। राजा सिंह बोले हैं इस प्रकार का चलेगा इतनी गोली चलेगा दहशत होनी चाहिए भी नहीं आएगा, तो वो दहशत कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। दानवे अपनी बात पूरी कर ले, मैं रिएक्शन लेने के लिए आपके पास। वो आप वो चीज आप नहीं कर पाए जो सारी हिंदुस्तान को आपसे उम्मीद थी कि आपके आने के बाद में शायद आप वो दहशत पैदा कर पाएंगे दुश्मन के दिलो दिमाग में कि वो आपको दोबारा से तंग करने से पहले हजार बार सोचे। जी वैसा नहीं हुआ। मैं लौटूंगा आपके पास भास्कर घोष साहब, क्या ये बात सच नहीं है कि कहा गया था कि एक सिर के बदले 10 सिर हम लोग लेके आएंगे? क्या उतनी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं? आज जो 19 सेकेंड्स का जो थर्मल इमेजरी बीएसएफ ने ये किया, एक वीडियो जारी किया, उससे साफ जाहिर होता है कि हम उनके जो मिलिट्री आउटफिट्स हैं उसके ऊपर कितना भारी पड़ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन लोग हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये उनकी जो रणनीति है, लेकिन हमारे रणनीति जो पहली भी रही है अभी भी वही रणनीति है कि हम उनका जो मिलिट्री और जो टेररिस्ट आउटफिट्स है, बंकर्स है, उसको हम लोग नास्तनाबूद कर दें। सर एक बात आपको समझने पड़ेगा, ये जो भारत को परेशान करना या आतंकवादियों की घुसपैठ करवाना, उस बारे में वो कामयाब हो रहा है, हम खुद को बचा रहे हैं लेकिन बचाते बचाते और एक हमारे जवान भी हमारे शहीद हो रहे हैं। और एक तथ्य है, आप देखिए लास्ट 3-4 साल से जो टेररिस्ट मारे गए हैं वहां पे, आज उनके हिसाब और 5 साल पहले के हिसाब में जमीन और आसमान के अंतर है। टेररिस्ट ज्यादा गेट डाउन हो रहे हैं। नहीं, वो आंकड़े आप दिखा दीजिए, हमारी कैजुअलिटी कितनी हुई है ये भी मैं बताऊंगा। अजय वर्मा कैसे देखते हैं कि कश्मीर पॉलिसी की बात है यहाँ पर? बड़े प्यार से मैं सुन रहा था जी, मेरा अनुरोध है डिस्टर्ब ना करें बीच में आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता, मैं भी आंकड़े दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। सांभा, अरनिया और रामगढ़, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ अक्सर घटना दुर्घटना आतंकवाद की अटैकिंग सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन 2014 से आज 19 शुरू होने अब चला जाएगा, 18 का मिड सेशन चल रहा है, कोई भी इस तरह का ज़बरदस्त एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार करके अपने पास तो सरकार ने हो सकता रखा हुआ हो, लेकिन जनता में दिखाने के लायक नहीं आया है, ना उसका रिजल्ट दिख रहा है। अब आपने जो कुछ आंकड़े दिए, मैं जरा से एक आंकड़े और तेरे से बताना चाहता हूँ, आपको विकिपीडिया पर है, कोई भी देख सकता है कि आखिर ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि आपने जो बताएं 2013 से मैं सरकार हमारी थी और अब 2017 तक बताता हूँ, नंबर ऑफ द इंसिडेंट थे 2013 में 694, डेथ थी 467, इंजरीज थी 771, फिर 14 में जब सरकार इनकी बनी तब से 860 नंबर ऑफ द इंसिडेंट, 490 डेथ्स, 776 इंजरी, फिर 15 में 882 नंबर ऑफ द इंसिडेंट डेथ, 387, फिर 647 इंजरीज, 2016 में 1019 डेथ, 462 इंजरी, 784। ये क्रम वाइज ये सारी चीज़ें बढ़ने पर 30 सेकंड या 60 सेकंड का साहब अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि वो जो जारी किया है उसको है जी। आप इसको पहले भी कहा था कि प्रोएक्टिव होके आप काम करिए जी, पता नहीं वो कौन सा फोन आया कि साहब अपनी किसी के पास ऑथराइज, मैंने तो सुना नहीं सरकार ने कहा हो कि साहब पाकिस्तान ने फोन किया है, और हमारे सरकार के अधिकृत प्रवक्ता ने या किसी ने कहा या आर्मी के या सरकार के ने कि वहां से फोन आया फौज रोक दिया जाए, आप अपने आप ही फोन आया और रोक दिया गया? नहीं, तो बीएसएफ की तरफ से कहा गया। नंबर एक, ये तो बीएसएफ की तरफ से कहा गया। नंबर दो, जब पाकिस्तान की नीति दोहरी नहीं तिहरी है, और गोविंद जी भी हमेशा हर इस मुद्दे पर जब डिबेट होती है, कर्नल दानवीर भी और भी सीमा सुरक्षा के और भी जो रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि पाक कभी सुधरने वाला नहीं है, शांति का प्रयास हमारी तरफ से होना चाहिए, शांति की दूत होनी चाहिए, लेकिन आखिर कब तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती खत्म। जब सारी चीजें तो प्रोएक्टिव वाला मूवमेंट हर बार उठता है, जब आप कोई चीज वो उधर से करते हैं तभी हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं। प्रोएक्टिव होके एक रणनीति बना के विपक्ष को विपक्ष को विश्वास में लेके सरकार
विपक्ष को विश्वास में लेके सरकार विदेशी पॉलिटिक्स के ऊपर, विदेशी नीति के ऊपर, खास करके पाकिस्तान चाइना के ऊपर कुछ ऐसी नीति बनाए जिससे तो देश के लोग 125 और 130 करोड़ लोग अपने आप को सुखद महसूस कर सके। आप तो कांग्रेस के चक्कर में जवाब दे है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के चक्कर में ना फंसते हुए गवर्नमेंट ऑफ प्रेजेंट डे और गवर्नमेंट ऑफ दैट डे की हम लोग सिर्फ बात करेंगे। गोविंद जी, संक्षेप में समझना चाहूंगा आपसे कि अगर घुसपैठ के जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, सीज फायर वॉलेशन का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी जो सैनिकों की शहादत है अगर वो भी बढ़ रहा है, तो क्या सरकार को इस बात के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए कि पॉलिसीज में कमी कहां है? एक मिनट में, निश्चित तौर पर अनंत सरकार का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, घुसपैठ का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, सीज फायर वायलेशन जरूर ज्यादा हो रही है और आतंकवाद हिंटरलैंड में बढ़ रहा है, लोकल आदमी आतंकवादी बनते जा रहे हैं, बट इन्फिल्ट्रेशन का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। ठीक है सर, और एक बात मैंने कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया रिसेंट आप देखें, वहाँ पे एक दावा किया गया है कि 2017 में सबसे ज्यादा 200। अब जब मैं सरकारी आंकड़े देता हूँ तो आप मीडिया रिपोर्ट दिखाते हैं, जब मीडिया रिपोर्ट दे सरकारी आंकड़े, आप तो आंकड़े आंकड़े ही है ना, मीडिया भी तो सरकारी आंकड़े को कोट अनकोट करती है। आज 2017 तक लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा टेररिस्ट डेथ हुआ है 2017, उसका नंबर 200 है, 200 क्रॉस कर गया है। ये हमारे नहीं, ये डीजी ऑफ कश्मीर का बयान है, जो सरकारी बयान है। 213 आतंकियों को मारा गया, 218 आतंकियों को मारा गया है, और ये अपने लास्ट 7 इयर्स, जिसमें यूपीए का भी शासन काल होता है, 7 इयर्स में सबसे ज्यादा टेरोरिस्ट मारे गए 2017 218। युद्ध होगा तो बिना गोली का युद्ध थोड़ी होगा, लेकिन हमारा मकसद कम से कम हमारे हमारे जवान को कम से कम डेथ होए, और ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट का डेथ होए, तो टेररिस्ट डेथ लास्ट 7 इयर्स में सबसे हाईएस्ट 218 हो गया। इसके मतलब हमारे जो प्लान्स है, हमारे जो स्ट्रेटजीज है, और हमारे जो नीतियां हैं, उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे को बीच में आने का मन कर रहा है गोविंद जी, भाई साहब आप जब सवाल देते हैं, फर्जी कहते हैं, जो यूएन मुद्दा और जो आप यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है सर, आपसे मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहता हूँ, चले तो फर्जी 2014 का पहले खंबा नोचे सरकार की, जो खंबा गलत नोच रहे हैं, फर्जी है, अगर इजाजत हो तो हम भी कुछ बोल दें, ये सरकार इतना इस तरह से आज के टाइम में एक भारत कांग्रेस का निवेदन रहेगा है, बात रखें आप दोनों अपनी बहस में उलझे रहेंगे सर, किसी की बात नहीं सुन पाएंगे, ना देश हित की बात समझ पाएंगे, ना आजाद बाबू के सवाल पा रहे हैं। आपके अब्दुल्ला, आपका फारूक अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं उसको सरकार चलाए, आपके उमर अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं, जम्मू कश्मीर आज का दिन जो जम्मू कश्मीर है इसके लिए कांग्रेस टोटल जिम्मेदार है, शायद फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो या शेख अब्दुल्ला हो, भारत से उम्मीद मैं करूंगा कि चर्चा हम लोग शांति के साथ, थोड़ा मर्यादा के साथ करेंगे, एक दूसरे के बीच में ना बोलकर, ताकि आपकी बात लोग सुन भी पाए, आपकी बात लोग समझ भी पाए। गुंजी, जो सवाल मेरा आपसे था कि अगर लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो क्या सरकार की पॉलिसी के ऊपर भी सवाल उठना लाजमी नहीं है? अनंत, निश्चित तौर पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये सरकार जब चुनाव में थी, सरकार बनने से पहले, उस वक्त कश्मीर को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। लेकिन अगर हम इस सरकार के कार्यकाल के पूरे घटनाक्रम को देखें तो कम से कम जो पिछला साल है उस साल को इस लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि सरकार की मान सकते हैं कि जो पाकिस्तान समर्थित और घाटी के अंदर पैदा हुए जो आतंकवादी थे उनका बहुत बड़ी संख्या में सफाया किया गया। ये बहुत सालों बाद इस तरह का हुआ है कि आतंकवादियों को उनके समर्थन में, पत्थरबाजों के समर्थन के बावजूद उनको अलग थलग किया गया, उनको मारा गया, उनको एक तरह से सबक सिखाए गए। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि अभी जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें इस तरह की बातें सामने आती हैं कि सेना की मनाही के बावजूद इस तरह के आतंकवादी जब मारे जाते हैं उनके जनाजों में बहुत भीड़ होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार की इसमें किसी न किसी तरह की चूक है कि इस तरह की परिस्थितियां और इस तरह की इजाजत क्यों दी जाती है कि उनके समर्थन में इस तरह की भीड़ उमड़े।
और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं हाल की जो ये कहती हैं कि इस तरह के मामलों में ज्यादातर ऐसा है कि लोगों में उनका कोई भारत से विरोध है या वो किसी बड़े मुद्दे के लिए किसी बड़े मकसद के लिए आतंकवादी बन रहे हैं, इसके साथ साथ ज्यादातर मामले ऐसे हैं जिनमें कोई एक अनपढ़ किस्म का आदमी, एक आवारा किस्म का लड़का जिसको अपने गांव में कोई सामाजिक सम्मान नहीं है, जिसको जो अपने लिए दो वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम बहुत मुश्किल से कर पाता है, गरीबी में है या परिवार संपन्न भी है तो कोई उसकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी ऐसे जनाजे में अचानक खुद को आतंकवाद के समर्थक के तौर पर दिखाता है तो उसकी स्वीकार्यता अचानक बढ़ जाती है, वो अचानक लोगों का हीरो हो जाता जो जिसको करने के लिए बाकी कोई जो जायज तरीके उन तरीकों में उसको बरसों लगते, वो एक घंटे या दो घंटे या एक रात अगर वो घर से गायब हो जाए और उसके बाद उसकी एक तस्वीर आ जाए बड़ी सी बंदूक थामे हुए कोई रशियन या चाइनीज जैकेट पहने हुए तो ये लगता है कि वो एक बड़ा आदमी हो गया। तो ये अगर इस तरह की प्रवृत्ति वहां पर बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार की असफलता है। आपने भारत सरकार के प्रयासों से आपने उनको रोका, उनको खत्म किया, बड़ी संख्या में खत्म किया, ये अपनी जगह सही है, लेकिन क्या जो इस तरह का समर्थन, चाहे वो उसका मकसद कश्मीर की आजादी या और कोई इस्लामीकरण जैसा न भी हो, तब भी अगर वो बहुत छोटे मकसद से सिर्फ कि व्यक्तिगत तौर पर उसकी एक हीरो जैसी इमेज बन जाए, अगर इस तरह से भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये कहीं कहीं सरकार की, स्थानीय सरकार की असफलता है और स्थानीय सरकार में भारतीय जनता पार्टी बराबर के हिस्सेदार है। तो इसलिए और अगर कहीं केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में मुद्दों को लेकर टकराव होता है, जो कि बहुत सारी घटनाओं में हमने देखा, तब भी ये दिखता है कि केंद्र सरकार की इसमें कहीं ना कहीं असफलता है, कमजोरी है और जिस नीति की, जिस शक्ति की, जिस व्यवस्था की उम्मीद उन्होंने जताई थी चुनाव से पहले, लगभग उस पर वो पूरी तरह तो खरे नहीं उतर। जी ठीक है, कर्नल दानवीर सिंह, सेना को जब मौका मिलता है, जब जरूरत पड़ती है, चाहे वो आतंकवादी हमलों की बात हो, चाहे सीज़फ़ायर उल्लंघन की बात हो, हमेशा सेना डटकर मुकाबला करती है, लेकिन क्या उतनी शिद्दत केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ में भी नजर आती है? देखिए, डिस्कशन इस प्रकार के काफी कॉमन है कि जब सीज़फ़ायर वायलेशन होता है तो हम लोग टीवी स्टूडियोज में इस बात को बहसते हैं, लेकिन इसके अंदर इस पूरे खेल को समझने के लिए दो तीन पहलू समझने पड़ेंगे। एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दो किस्म की घटनाएं होती हैं, एक है सीज फायर वायलेशन जिसको आप लोग सीज फायर वायलेशन कहते हैं और दूसरी चीज होती है इन्फिल्ट्रेशन की। तो ये मान के चलिए कि जहां पे जब दुश्मन फायरिंग करता है, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायलेशन करता है, तो चाहे जो भी हालात हो, जितनी भी हमारे को सहमति मिली हो, जितना भी हमें हुक्म मिला हो, ये आप गांठ बांध के रख लिए कि हम जो है पाकिस्तान पर हावी होते हैं, जहां तक फायरिंग की सवाल है। जहां तक इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है, तकरीबन ना मात्र के तौर पर कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस में इन्फिल्ट्रेशन कामयाब होती है आज की तारीख में। अब प्रॉब्लम आई कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद की, जो कि आपके बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो आंकड़े बता रहे हैं कि उन्होंने इतने आतंकवादी मारे। ये बहुत अच्छी बात है कि इनके कार्यकाल में इतने आतंकवादी मरे, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके कार्यकाल में इतने आतंकवादी कैसे रिक्रूट हुए। अगर आप देखा जाए तो 4 साल पहले जो आतंकियों का स्तर था, जो स्ट्रेंथ थी घाटी में, और आज की जो स्ट्रेंथ है, घोषित स्ट्रेंथ है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जितने मारते हैं उससे ज्यादा भर्ती होते हैं। तो ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या फेल हो गई है? क्या वो यूथ को कन्विंस नहीं कर पा रहा है? दूसरी चीज, गोविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जनाजे में इतने लोग आते हैं तो ऐसा क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की विफलता है। तो ये हम सबको वहां की जमीनी हकीकत को भी समझना पड़ेगा कि जो पीडीपी की सरकार है उसका जो फुट सोल्जर है वो जमायत इस्लामी का कट्टरवादी मुल्ला है। तो वो जो है वो इन लोगों को सपोर्ट करता है, वही लोग रिक्रूट करते हैं, उन्हीं के कहने पर पत्थरबाजी होती है और वही पीडीपी के समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मिलीभगत है और उसके उसमें ये पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। तो हर चीज को आर्मी को ब्लेम करना या किसी और चीज को ब्लेम करना भी मेरे ख्याल से गलत होगा। ब्लेम आर्मी पर नहीं, सर सवाल सिर्फ सरकार से पूछे जाते हैं। पीयूष पंत, अगर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है आतंकवादियों की वो पिछले एक साल में तकरीबन 70% बढ़ जाती है, तो इसमें किससे सवाल किया जाए? निश्चित रूप से सरकार से किया जाएगा। देखिए, जो हालात है वहाँ पे, कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से किया जाएगा।
और चूंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी जो पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। क्योंकि आपका देखिए हो क्या रहा है कि देखिए जब गाहे बगाहे जो है आप मौके के हिसाब से आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को कश्मीरियत की बात करने लगते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो चाहे वो मोदी जी हो, लेकिन कश्मीरियत क्या है इसको ये समझते नहीं है क्या है कश्मीरियत। तो उनकी लोकल स्तर पे उनकी क्या समस्याएं हैं, वहां के युवाओं की क्या समस्याएं हैं, वहां विकास कितना पहुंच रहा है। दूसरा देखिए हम बचते हैं, सेना का हर कोई अदब करता है, सेना का सैक्रिफाइस सबको सब प्रणाम करते हैं, लेकिन सेना जो जातियां भी वहां कर रही है और पुलिस जो जातियां भी वहां कर रही है उसको हम उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं, हम उससे बचते हैं। और जब तक हम बचते रहेंगे कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा, आतंकवादी वहां उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। क्योंकि देखिए वहां की जो जो वहां की सिचुएशन है, वहां सरकार कैसे जब डील करती है, वहां पे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस तरह आर्मी भी वहां पे बहुत करती है उसके ऊपर सवाल हम नहीं उठाएंगे, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जब सेना की तरफ से किसी भी लेवल पे जाती होती है तो उसके लिए आपको कोर्ट या टेलीविजन या कहीं पे उसका इंतजार नहीं करना पड़ता, सेना के अंदर सेल्फ मैकेनिज्म है उस चीज को करेक्ट करने के लिए। इसकी कई मिसालें हैं, इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। तो ये कहना कि सेना जाती करती है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं बिल्कुल गलत है। और दूसरा एक और आपको क्लियर होना चाहिए कि कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट की कोई समस्या नहीं है। आप में से कितने लोग कश्मीर गए हैं मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन आप कश्मीर में जाइए कोई गाँव बगैर रोड के नहीं है, किसी गाँव में बिजली की कमी नहीं है, किसी गाँव के अंदर अच्छे मकान का अभाव नहीं है, बहुत ही बेहतरीन इलाके में रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, खाने पीने की समस्या नहीं है, भिखारी आपको रोड पे नहीं मिलेगा, संपन्न लोग हैं, तो डेवलपमेंट की वहां पे इशू नहीं है। वहां पे रेडिकलाइजेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है और आपसे रेडिकलाइजेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी विफलता है। रेडिकलाइजेशन तो कम करने की तो पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। आप उसमें घी का काम करते हैं, आप जिस तरह आपका अप्रोच रहता है सरकारों का उसमें घी का काम करती है। उनके रेडिकलाइजेशन को कैसे कम करना है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, उनपे जातियां न हो, इनोसेंट जो लड़के हैं उनको आप झूठे केस में न फंसाएं, ये हो रहा है पूरे भारत में होता है, वो पुलिस करती है, वहां पे पुलिस आर्मी कर रही है। नहीं, वो तो बहुत दिनों बाद जब हाथ से सारे मामले निकलते चले गए तब आपने एमनेस्टी डिक्लेयर किया। आप जनरल जो है कि हर किसी को पत्थरबाज बताते रहे और पत्थरबाज के नाम पे वो काम करते रहे, क्योंकि हमारी पॉलिसी वहाँ पे चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और खासकर बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार एक आप जो है आपने उसको चश्मे में देखा, जम्मू कश्मीर को आपने एक मुस्लिम राज्य के चश्मे में देखा और मुस्लिम राज्य के चश्मे देख के सारी गड़बड़ी आपने करी। तो जो एटिसिटीज उनको मेनस्ट्रीम में लाना नहीं था। देखिए आप माने न माने, यूपीए जम्मू के टाइम में काफी कुछ वहां पे राहत थी, कश्मीर वापस लौट रहा था, लेकिन 2014 के बाद 56 इंच के सीना कहने के बाद जब आप आए तो उसके बाद लगातार जो है कश्मीर जो है वहां पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी। तो इससे भी सरकार को सोचना होगा और अब लगता है सरकार को ये बातें समझ में आ रही है, इसीलिए उसने टीम भी भेजी वहां पे, एक अपनी सरकारी टीम भेजी ताकि वो सभी स्टेक होल्डर से बात करें। और एक उन्होंने आज जो है देखिए ये यहां पे अभी जो इन्होंने सीज फायर भी किया है सरकार ने, पत्थरबाजों के लिए एमनेस्टी दी है, ये बहुत देर में कदम उठाए हैं जब बहुत रियलाइजेशन हुआ है। अलग अलग व्यूज उसमें है भी, कुछ लोग सही मानते हैं तो काफी ज्यादा ऐसी भी है जो कि गलत उसको मानते हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा भास्कर घोष, एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की गई थी पाकिस्तान के साथ कि भाई उनसे लोगों का आपस में मिलना जुलना होना चाहिए, शायद ये दुश्मनी हम लोग भूल जाएं, शायद ये चीजें बेहतर हो जाएं। एक हाई लेवल डेलीगेशन गया था पाकिस्तान जिसमें काफी इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल थे, गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे, उसका क्या हुआ सर? देखिए दो बात इसमें कहनी है कि एक तो जो डेलीगेशन यहां से जो पीस इंफॉर्मेशन और पीस मैसेज लेके गए थे वो अपना मैसेज वो अपना काम सही तरीके से किए हैं। आज जो कश्मीर का जो मुद्दा है ये दो हिस्से में बटा हुआ है, एक तो मुद्दा इज पीओके लेकर एक मुद्दा है और एक है कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ कि 360 टेररिस्ट कश्मीर में आइडेंटिफाइड है, उसमें 200 टेररिस्ट हैं जो लोकल्स हैं और 160 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं। और ये जो तीन हिजबुल मुजाहिदीन और जो दो तीन और जैश मोहम्मद और दो तीन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, पहले से रिक्रूटमेंट बड़ा नहीं है। आप अगर आंकड़े देखें मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट साउथ एशिया टेररिज्म, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल 70% बढ़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर। जी नहीं नहीं, वो रिक्रूटमेंट उन लोग जो कह कर रहे हैं कर रहे हैं, बेसिकली इन लोग को युवा को उन लोग पैसा और भी
लालच देकर वहाँ पे प्राइमरी एक ये हो रहा है, प्राइमरी एक इंस्टॉलेशन वहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप अगर आंकड़े देखें कि आज जिस तरह से टेररिज्म का नंबर, डेथ ऑफ द टेररिज्म बढ़ रहे हैं, पत्थरबाजी घट रहे हैं। सर वही सवाल तो कर्नल दानवीर सिंह ने पूछा, आप कह रहे कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन इतने आतंकवादी पैदा कहां से हो रहे हैं, ये इस बात का सवाल तो आपको देना होगा ना। 200 अगर 200 आतंकवादी कश्मीर से पैदा होता है, 160 आतंकवादी बाहर से आते हैं। ये जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है, ये आतंकवादी को यहाँ पे घुसाने के लिए हो रहा है। सो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे आतंकवादी यहीं से पैदा हो रहा है, बाहर से अगर 160 आतंकवादी आ रहा है, एशिया आने के लिए जो टेररिज्म पोर्टल छोड़ फायर दिया जा रहा है सेना द्वारा, जो आंकड़े दिए गए हैं आपको उस पे गौर करना पड़ेगा। आतंकवादी उसमें 100 से कम जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तानी हैं, बाकी सारे घरेलू आतंकवादी हैं। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्ट्री को लेकर के वो इजिप्ट में एक आपको भारतीय सेना के आंकड़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फायर का रेजोल्यूशन लिया गया था सहूलियत के हिसाब से, आंकड़ों का संदर्भ नहीं दे सकते। ये आंकड़े जो है ये घटा नहीं है। सो इसके मतलब ये है कि आप जितना भी पॉलिटिकल और सोशल आप मेजर्स ले लो, इसका जो एक्चुअल जो कारण है, उस कारण को जब तक ना आप इरेडिकेट कर पाओगे, तब तक ना ये जिम्मेदारी तो आप ही की है ना राज्य में आपकी नहीं, सरकार तो हम तो इसको घटा रहे हैं आज। आज जिस तरह से आंकड़े वही के वही हैं, फिर आप कहते हैं घटा रहे हैं, कभी आंकड़े तो बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो डेथ ऑफ द टेररिस्ट का आंकड़े बढ़ रहे हैं और रिक्रूटमेंट का जो आंकड़े आप दे रहे हैं, उस रिक्रूटमेंट में ही 160 टेररिस्ट बाहर आ रहे हैं। हाँ। उनके रोकने के लिए मुझे सीज़फ़ायर वायलेशन अगर तोड़ते हैं तो मुझे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और जवाबी कार्रवाई में अगर सेना की मौत हो जाए दुखद है वो। हाँ। लेकिन जवाबी कार्रवाई में आज वो भी अपना इन्फिल्ट्रेशन अभी भी दानवीर सिंह घट रहे हैं। पॉइंट को नजर करना है कि हमारे जो पॉलिसीज हैं, एक तो जो बहुत अच्छा लगा कि कश्मीर अभी बैकवर्ड स्टेट में नहीं आता है, कश्मीर अभी जो होता है। मैं लौटूंगा सर, आपकी अपनी बात पूरी कीजिएगा, कर्नल दानवीर सिंह अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको समझना पड़ेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 3-4 टीयर की डिप्लॉयमेंट है, इतना आसान नहीं है आज की तारीख में कश्मीर घाटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आना, बहुत ही मुश्किल से रेयर केस में, जहां पे कहीं एवलांच आ जाए, जहां पे कहीं बारिश से लैंडस्लाइड हो जाए, जहां से कहीं पे बाढ़ वायर का पूरा बहुत बड़ा गैप हो जाए, और खराब वेदर का, खराब मौसम का फायदा उठा के कोई घुस आए तो घुस आए, अदरवाइज बाहर से आना बहुत मुश्किल है आज की तारीख में, आसान काम नहीं है। भारतीय सेना ने बहुत अच्छी जो है पिकेटिंग कर रखी है जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, तो इस प्रकार से वो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि आपको भारतीय सेना अध्यक्ष के जो आंकड़े हैं, जो स्टैंडिंग कमिटी ने जो पार्लियामेंट में बताया, उसकी तरफ गौर करना पड़ेगा कि लोकल मिलिटेंट कितना है और बाहर से मिलिटेंट कितना आया। साउथ एशिया पेट्रोल जो पोर्टल है, टेररिज्म का पोर्टल, उसके ऊपर विश्वास थोड़ा कम रखना चाहिए आपको। ठीक है, अजय वर्मा। देखिए, तीन चीजें हैं। अभी पीछे जो आपने आंकड़े बताए थे रिक्रूटमेंट्स के, वो 71.03 है, 70 से भी बड़े हुए हैं, चलिए 1% में तो कुछ नहीं। दूसरा, दिनेश्वर शर्मा साहब वहां गए थे सारी चीजों को सुधार करने के लिए, भारत सरकार के विशेष दूत बनकर, करोड़ों रुपए खर्चा हो गया उनके ऊपर जाने आने करने में। रिजल्ट क्या निकला मुझे बता दें, सरकार कोई भी बता दे कि रिजल्ट ये निकला, कुछ नहीं। सर आपके मनीषंकर आए, सुन लीजिए ना, आप फिर उस पे आते हैं, आप रिजल्ट को बता दीजिए ना, आप इनका सीना भी बताइए ना, स्कूटर के चेंज का रह गया, एक के बदले 10 क्या किया हुआ, हटके एक के बदले 10 हमारे जा रहे हैं। आप हमारे बात करते हैं तो खुद की बात की बहस में सर नहीं रहते हैं, की करके बात करते हैं। ठीक है, अपनी बात आप रखिए, क्यों बोलते हैं, हम रख रहे हैं ना जी। 56 इंच का सीना घट के 6 इंच रह गया है, कोई मतलब नहीं। कश्मीर को आप समर्थन देकर डबल तरीके से और चला रहे हैं, किस तरह से भारत चले पाकिस्तान के ऊपर, ये कोई रणनीति नहीं बना रहे कि किस तरह से उसको प्रतिबंधित करके चीजें रोकी जाएं, कोई रिजल्ट नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन मूड में आ गए हैं, पाकिस्तान को भूल जाएंगे, जो पहले कहते थे कि ये जो प्रधानमंत्री बैठे हैं जी, मित्रों भाइयों बहनों, इस तरह से इन पे जवाब नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री वहाँ पे अपना दौरा, ये जो जवाब दे रहे हैं ये बहुत माकूल जवाब दे रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री नहीं है जो 10 नंबर जनपद से कंट्रोल होते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है सर, पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री बाद में थे, पहले 10 नंबर जनपद के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनाकर चला रहे हैं, हजारों उसका नमूना।
डिबेट के दौरान कंडेम करता हूं सर कि कोई भी प्रधानमंत्री अगर होता है देश का प्रधानमंत्री होता है संवैधानिक पद की गरिमा कम से कम लोग चर्चा के दौरान बनाए रखे समझाइए संविधान सिंह हम भाषा से बाहर नहीं जाते लेकिन मोहन मोहन सिंह उनका नाम हो गया था अभिमान में दूर रहते हैं परमिशन लेके हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री मोहन प्रधानमंत्री ठीक थे जुमलों के झूठों के वास्ता तो नहीं थे झूठों का तो अंबारी लगा दिया हिंदुस्तान में बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि चर्चा जो है वो अमर्यादित भाषा से बहुत इस्तेमाल होने लगी है दोनों के आप दोनों सदस्यों के पास मिला करना थोड़ा ठंडा हो जाइए शायद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना हम वापस शुरू कर देंगे भारत और इस पर काम करना ठीक है मतलब आपके पास मिला आपके पास मिला का जवाब ना रणनीति ना पाकिस्तान ना कश्मीर ना बॉर्डर ना चाइना ये हमारा हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा केवल कांग्रेस ही कांग्रेस मुक्त भारत करेगा केवल कांग्रेस कैसे ये हालात सुधरे पकड़ के केवल किस तरह से कांग्रेस से मैं दरख्वास्त है कि कम से कम अगर आप शहीदों की शहादों को कम करने की बात कर रहे हैं आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे पर जो हमने किया है उसका तो उजागर करें आप करके आप लोग बात करें आप दोनों से मेरा अनुरोध है कि आप दोनों के पास लौटूंगा सर आप दोनों के पास जब आप मुझे टाइम देते हैं तो मोदी जी करें बीच में क्यों कूद के भाग आते हैं मैं लौटूंगा यही सिखा रखा है इनको चलो वो हर चीज में कूद आते हैं आप तो शांति रखिए ना सुन लीजिए ना मैं फाइनल करके कमेंट कर रहा हूं आप तो शांति रखिए मैं लौटूंगा आपके पास फाइनल कमेंट मैं लौटूंगा सर आपके पास अपनी बात आप कश्मीर में एक मिनट कश्मीर में अभी जब कोई आतंकवादी मरता है या कोई सैनिक मरता है एक चीज मैं इसका समर्थन मैं भी करूंगा पत्रकार भी कर रहे हैं अनंत जी राजू जी ने भी करा और कर्नल दानवीर ने भी कहा कि जो करोड़ों लाखों लोग उस भीड़ में आते हैं और जो एक फैलाव और सैलाब होता है सरकार उसको रोके नियमित करे उसके परिवार के लोग आए और इस तरह से जो वहां बल मिलता है आतंकवादी पैदा होते हैं इस पर रोक लगाई जाए ठीक है गुंजी मैं जानना चाहूंगा कि कहीं कुछ वक्त पहले ही सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो वहां के आम नागरिक हैं ताकि सीमा पार से हो रही फायरिंग का फर्क उनके ऊपर ना पड़े वो सुरक्षित रहें बंकर्स बनाने की योजना की गई थी क्या उसके बारे में अपडेट है हमारे पास कि वो जो योजना कहां तक पहुंची है गोविंद जी अनंत जो बंकर्स की योजना है वो अभी लगभग एक तिहाई काम उसमें होना बाकी है और बंकर्स को की जो योजना है वो समाधान नहीं है क्योंकि बंकर्स के साथ भी समस्या ये है कि जो बंकर्स बने हैं वो गांव में किसी एक जगह पर बने हैं और अगर हमला पाकिस्तान की तरफ से होता है बम और गोलाबारी होती है तो लोगों का अपने घर से बंकर तक पहुंचना सुरक्षित पहुंचना एक बड़ा सवाल होता है और दूसरा जो उनके मवेशी हैं जो उनकी लाइफलाइन है अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है किसान अगर ग्रामीण अगर बंकर तक पहुंच भी जाता है तो जो उसका मवेशी है उसकी सुरक्षा की कोई वहां पर व्यवस्था नहीं है तो बंकरों का काम हो रहा है लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है वो एक छोटी राहत उसके जरिए जरूर मिल सकती है लेकिन स्थायी समाधान तो तभी हो सकता है जब कोई बड़ा कड़ा मैसेज पाकिस्तान को दिया जाए और हमेशा के लिए ये जो बंदूकें हैं ये जो तोपें हैं इनका मुंह बंद किया जाए जी बिल्कुल वाजिब बात है कर्नल दानवीर सिंह एक छोटा सा आंकड़ा देखकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समस्या का समाधान सेना की निगाह से क्या होता है 31 दिसंबर 2017 से आप शुरू कीजिए तो उसमें फिदायीन हमला होता है 5 जवान शहीद होते हैं 6 जनवरी 2017 में उसके बाद वापस 4 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं 13 जनवरी को वापस 4 जवान शहीद होते हैं 18 जनवरी 19 जनवरी 20 जनवरी 4 फरवरी 11 फरवरी 12 फरवरी सिलसिलेवार तरीके से तकरीबन रोज हमारा कोई ना कोई जवान वहां पर शहीद हो रहा है आखिरकार वो कौन से कदम है जो सरकार उठा नहीं पा रही है इस समस्या को रोकने के लिए क्या पाकिस्तान इतना ज्यादा ताकतवर हमसे हो गया है कि उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं देखिए सेना का रोल क्या है ये हमको समझना बहुत आवश्यक है सेना का रोल ये है कि वो जो घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो टेम्परेचर है उसको कम से कम रखे उसके उसको कम रखने के लिए जो 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 वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर डोमिनेट उसको डोमिनेट करने के लिए उसकी भी उसके लोगों की शहादत होती है फौजी भी मारे जाते हैं वो मारे जाएंगे आगे भी मारे जाएंगे पहले भी मारे गए थे ये उनका देश के प्रति कर्तव्य है और ये उनकी उनका रोल है ये उसका काम है तो वो एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है वो पॉलिटिशियंस को एक एक प्लेटफॉर्म देता है कि देखिए हमने ये जो है स्टेबलाइज कर दी है सिचुएशन अब आप अपना पॉलिटिकल गेम खेलिए जो यूथ जो है जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की तरफ खींचा चले जाता है उसका नैरेटिव घाटी में चल रहा है उसको साइडलाइन करके आप अपना नैरेटिव चला पाए तो वैली के अंदर कश्मीर के अंदर जो बिगेस्ट फेलियर है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है फौज का फेलियर नहीं है जहां तक आंकड़ों का सवाल है कि इतने फौजी कम मारे गए अब मारे गए आज अगले महीने भी मारे जाएंगे और इसी प्रकार से अगले साल और
ऐसे चलता रहेगा जब तक पॉलिटिशियंस अपना काम नहीं करेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे और नरेटिव चेंज नहीं कर पाएंगी। तो जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक ये आपके आंकड़े इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे। जी ठीक है, पीयूष पंत, क्या पाकिस्तान को लेकर कोई क्लियर डॉक्ट्रिन है गवर्नमेंट के पास मौजूदा वक्त में? नहीं देखिए, गवर्नमेंट के पास असल गवर्नमेंट के पास जो विल नहीं लगती, मुझका विल नहीं है। देखिए बहुत सी पॉलिसीज बनी है, पहले भी बनी है, वाजपेयी जी थे उसके बाद थी, तब इंदिरा गांधी थी तब भी थी, और इसके पहले भी जब राजीव गांधी थे तब भी थी, लेकिन कोशिश हमेशा हुई है। और इस सरकार के पास भी है, सरकार ने कमेटी भेजी थी, आपको याद होगा कि यशवंत सिन्हा भी गए थे कमेटी को लेके, हालांकि सरकार ने नहीं माना, सरकार ने अपनी एक कमेटी भेजी थी, सारे स्टेक होल्डर से बात करी थी, हुर्रियत से बात करने की बात हुई थी, लेकिन बीच में मामला खत्म हो गया। तो है सरकार के पास है, लेकिन सरकार के पास विल नहीं है कि कैसे इसका समाधान, क्योंकि वो देखिए दोनों तरफ यही स्थिति है, पाकिस्तान में भी स्थिति कि वो कश्मीर इशू बनाए रखना चाहती है ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लगे कि हाँ एक मामला है जो 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 अग्रीव पार्टी है जो पाकिस्तान है, यहाँ पे भी जो है कि ये कश्मीर बना रहे, खासकर जो अभी जो सरकार है उसके लिए एक ऐसा पॉइंट है कश्मीर जिसके तहत ये वोट अपने बटोर सकती है, तो वो भी चाहती है कि ये मुद्दा बना रहे। जब तक दोनों तरफ की सरकारें नहीं चाहती, और देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, आपको याद होगा कि अभी नवाज शरीफ जब चले गए हैं, बाहर हटा दिए गए हैं, तब उन्होंने कहा कि जो मुंबई में जहां हमला हुआ था वो पाकिस्तान की धरती से हुआ, तो निश्चित रूप से वहां पे जो आर्मी है और जो ISI है इतनी मजबूत है कि वहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को भी काम नहीं करने देती है। और उस टाइम में तो जब मोदी जी आए यहां पे प्रधानमंत्री बनके और वहां नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने कोशिश करी थी कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए, तो इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है, डायलॉग सोल्यूशन है, और वहां पे जो लोकल स्तर पे जो समस्याएं हैं, अब जैसे देखिए कि ये बहुत है कि वहां पे जो है तमाम जो आतंकवादी जब मारा जाता है उसके जनाजे में बहुत लोग शामिल होते हैं, तो हमें समझना होगा कि क्यों वहां क्यों शामिल हो रहे हैं, सिर्फ हम यही कहते हैं कि साहब ये गलत है और इनको बंद करो, इनको अरेस्ट कर लो, नहीं होगा। आखिर क्यों शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे फैक्टर क्या है, सोशल फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, मैं समझूंगा आपसे। जो सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि इतने सारे लोग वहां पर जनाजे में शामिल होते हैं, युवाओं का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है इस तरफ कि वो आतंकवादी गुटों में शामिल हो जाएं, इसके क्या रूट समस्या को पकड़ पाए हैं, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? देखिए इसके ऊपर हम लोग तीन फेज में काम कर रहे हैं, तीन स्टेप में काम कर रहे हैं। एक तो पब्लिक टू पुलिस कनेक्टिविटी एंड कॉन्टैक्टिविटी बढ़ रहे हैं, पुलिस भी बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम्स ले रहे हैं जो पब्लिक उनको समझे कि किस हालात में वो किस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं। दो नंबर, आपने देखा कि एक बार ऐसा हुआ कि किसी को जीप में सामने बांध के जो एक्शन लिया गया था उसको हमने कंडेम किया, और सेना की तरफ से भी रेगुलर एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि लोग ये जो एक रोमांटिसिज्म है, एक जो टेररिज्म के प्रति एक भावना, युवक की भावना कि टेररिज्म में हमारे हाथ में बंदूक आ जाएंगे, हम पावर एंजॉय करेंगे और पैसा भी आएगा, ये कितनी हद तक ये सही नहीं गलत है, ये भी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पॉलिसीज है कि ये सब समझाने की कोशिश हम लोग जब कर रहे हैं, इसका इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही वहाँ पे, क्योंकि ये फंडिंग टेररिस्ट है, इसके पीछे रिलीजियन, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, लेकिन हमारे सेनाओं को दाग देने पड़ेगी कि आज सेनाओं जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को रोक रही है, ये भी एक मुद्दा है कि इन्फिल्ट्रेशन को काम कर रही है इस बारे में। मैं कह रहा हूँ सेना, मैं सेना को ये सरकार की पॉलिसीज के ऊपर लगातार उठ रहा है, सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ रहा है सर। ये पॉलिसीज जो है ये मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों हिस्से में पॉलिसीज है। जो पॉलिसीज हम पॉलिसीज का कुछ इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट अगर देखिए तो देखिए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का, शॉर्ट टर्म पॉलिसी इफेक्ट ये है कि कश्मीर समस्या का क्या हल है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है उस चीज को बात करने की। चुनाव की समस्या का हल है 370 को हटाना, अगर किसी में हिम्मत है इसको हटाने की तो ये समस्या हल होगी, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे पास लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है, आप चर्चा को और आगे लागू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चर्चा को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, फिलहाल मुद्दा सिर्फ इतना ही सर, रुकना होगा एक ब्रेक, उस पर खबर लगातार जारी रहेंगे।